स्वागत है आपका एपी न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ दिव्या विजयवर्गीय। एपी न्यूज के न्यूज रूम से सीधे बात करेंगे प्रदेश और देश की मुख्य खबरों को लेकर। इंदौर अपने आप में विकासशील शहर है और विकास की तरफ जो है तत्पर है, प्रगति की ओर तत्पर है। ऐसे में एक और सौगात इंदौर वासियों को मिल चुकी है। यूं तो कई सारी फ्लाइट्स में इजाफा हुआ है बीते दिनों में भी, पर अब जो है नवंबर से उम्मीद जताई जा रही है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी उड़ाने भरेंगी इंदौर एयरपोर्ट से। जी हाँ, ठीक सुना आपने। और उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी सौगात ही मानी जा रही है जो कंटिन्यू जिनका आना जाना जो है लगा रहता है विदेश, और विदेश यात्रा को लेकर जिनको दूसरे शहरों में जाना पड़ता है, उसके बाद में फिर उनको फ्लाइट्स चेंज करके जाना पड़ता है, पर अब जो है ऐसी समस्या से निजात मिल जाएगी क्योंकि इंदौर एयरपोर्ट अपने आप में कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट के रूप में सैद्धांतिक जो है मंजूरी मिल गई है इंदौर एयरपोर्ट को। और उसी के साथ में भारत सरकार और नगर विमानन द्वारा भी नोटिफाइड हो चुका है इंदौर एयरपोर्ट। सेंट्रल इंडिया का सबसे अग्रणी एयरपोर्ट जो है माना जा रहा है इंदौर एयरपोर्ट। तो जब इतनी बड़ी सौगात इंदौर वासियों को मिली है तो स्वाभाविक सी बात है कि जश्न का माहौल होना चाहिए। और जब ये खबर इंदौर वासियों को मिली और इंदौर के आसपास जो लोग रहते हैं उनको मिली तो एक जश्न का माहौल लोगों में है। काफ़ी जो खुशी है वो जाहिर कर रहे हैं और बड़ी सौगात मान रहे हैं, सरकार को धन्यवाद भी दे रहे हैं लोग कि अब जो है आने जाने में जो समय बचेगा वो, और उसी के साथ में शुल्क में भी कहीं ना कहीं कमी जो है लोगों को महसूस हो रही है अभी तक। पर देखने वाली बात होगी कि जब फ्लाइट शुरू होगी तब का जो सिनेरियो होगा वो किस तरीके का होता है। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। अगली खबर आ रही है पेट्रोल और डीजल को लेकर। कहा जाता है कि इंसान किसी भी चीज़ के बगैर तो अपना दिन गुजारा कर लेता है पर गाड़ी के बगैर नहीं करता है, क्योंकि समय बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और ऐसे में जब गाड़ी की बात आती है तो पेट्रोल और डीजल के बिना गाड़ी एक कदम भी नहीं चल सकती है। ऐसे में अगर पेट्रोल और डीजल ही महंगा हो जाए तो फिर क्या कहना। यूँ तो चुनावी साल है, हर पार्टी जो है अपनी तरफ लोगों को लाने के लिए जो है लुभावने वादे कर रही है और लोगों को साधने की कोशिश कर रही है, पर जब आम आदमी की जेब पर असर पड़ता है तो फिर आम आदमी कुछ नहीं देखता है। क्योंकि अगर उसकी जेब पर असर पड़ रहा है तो उसके लिए काफ़ी दुविधा वाली बात हो जाती है वो। और अब एक बार फिर, क्योंकि कुछ महीनों पहले ही पेट्रोल और डीजल में बढ़ोतरी हुई थी, लोग काफ़ी परेशान हुए थे, और वापस से आज जो है पेट्रोल और डीजल में इजाफा हुआ है। अगर बात करें हम डीजल की तो 73 रुपये से भी ज़्यादा कीमत जो है बताई जा रही है और रिकॉर्ड तोड़ महंगाई कही जा रही है। मतलब मध्य प्रदेश में जो महंगाई बढ़ी है, यूँ तो पूरे देश में पेट्रोल और डीजल पर महंगाई बढ़ी है पर जो मध्य प्रदेश में बढ़ी है कहा जा रहा है कि वो रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है और सबसे ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश में बढ़ी है। अगर बात करें हम पेट्रोल की, 83 रुपये से भी ऊपर रेट जो है पेट्रोल का यहाँ पर देखा जा रहा है, जिससे आम जनता के लिए कमर तोड़ महंगाई कही जा रही है। अब क्या पता, लोगों को ऐसा भी कहने में आ रहा है कि क्या हम पैदल चलें सड़कों पर, किस तरीके से अब हमारा गुजारा होगा। क्योंकि एक तरफ तो यहाँ पर त्योहारों का मौसम लग चुका है, रक्षाबंधन निकला ही है और अब दूसरे त्यौहार आ जाएंगे, उनकी महंगाई तो रही ही रही, साथ में पेट्रोल और डीजल की महंगाई संभवतः आम जनता के लिए बड़ी परेशानी का सबब बनेगा। देखने वाली बात होगी कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कब जो है कमी आती है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर आ रही है उज्जैन से। धार्मिक नगरी उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी बोली जाती है और ऐसे में वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम होना बेहद जरूरी है और इसकी सुध ली है पुलिस कप्तान सचिन अतुलकर ने। 107 गुंडों को तड़ी पार करवाया है, शहर से बाहर करवा दिया और उनकी अब जो है मान्यता बिल्कुल भी नहीं है, वो उज्जैन के रहवासी नहीं कहलाएंगे अब। और बड़ी इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, उसके पीछे जो मकसद था वो ये था कि चुनावी साल है, ऐसे में गुंडों में दहशत पैदा हो, उस तरीके से 107 से भी ज़्यादा गुंडों को तड़ी पार किया है और अपने आप में रिकॉर्ड तोड़ कार्रवाई कही जा रही है। सबसे बड़ी कार्रवाई, एक साथ इतने सारे गुंडों को तड़ी पार करवाना। उसी के साथ में पूरी उज्जैन पुलिस ने जो है कमान संभाल रखी है,
क्योंकि उज्जैन में लगातार भक्तों का आना जाना चलता रहता है और अब चूंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में वहां पर कुछ भी असंवेदनशील कृत ना हो, इस तरीके की घटनाएं ना हो जो शहर को, समाज को जो है दुखदायी हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए अब उज्जैन पुलिस ने पूरी तरीके से कमान संभाल ली है और पूरा जो निर्देशन में जो पूरा चल रहा है काम, वो है पुलिस कप्तान सचिन अतुलकर, जो एक पब्लिक फिगर तो हैं ही, सोशल मीडिया पर जिस तरीके से उनकी फैन फॉलोइंग है, काम भी उनका उसी तरीके से बोलता है। तो अपने आप में उज्जैन सिटी को एक सेफ सिटी में तब्दील करने के लिए ये कवायद जो है ये तेज कर दी गई है। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे, इंदौर से आ रही है खबर और इंदौर में आज दिव्यांगों के लिए जो है कई सारे तोहफे उनको बांटे गए हैं। दो कार्यक्रम जो है आज आयोजित किए गए, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत, जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का ये आयोजन था, पूरा पहला आयोजन था जो खादीवाला टैंक पर आयोजित किया गया, खादीवाला टैंक के पास में वहाँ पर छात्रावास का भूमि पूजन किया गया है। तो वहीं एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया खासतौर पर दिव्यांगों के लिए, उनको उनकी सहायता के लिए ट्राई साइकिल्स और अनेक उपकरण जो हैं वो उनको दिए गए, कुछ जो साइकिल्स होती हैं बैटरी से जो चलती हैं वो उनको गिफ्ट के तौर पर दी गई, जिससे कि उनको सुविधा रहे। तो यहाँ पर दिव्यांगों के प्रति जो प्रेम है वो वहाँ पर भारी मात्रा में देखा गया, कई सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे, खासतौर पर लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन वहाँ पर मौजूद थी, महापौर मालिनी गौड़ भी वहाँ पर मौजूद थी और कई सारे अधिकारी जो थे वो वहाँ पर मौजूद थे और इस कार्यक्रम में साक्षी बने, इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, अगली खबर आ रही है इंदौर से, इस खबर ने सुबह सुबह ही जो है सर्वटे होटल हादसा जो हुआ था कुछ समय पहले उसकी यादें ताज़ा कर दी कि जो हादसा हुआ इसने वाकई में हर किसी को चौंका कर रख दिया और एक तरीके से इंदौर शहर में हड़कंप मच गया इस हादसे के बाद में। यह हादसा हुआ है सेंट रेफल्स स्कूल की इमारत का एक हिस्सा गिरने के बाद में ये हादसा हुआ, और जब ये हादसा हुआ तो जैसे जैसे खबर फैली तो आग की तरह खबर फैलती गई और हर कोई जो है वो यही जानने का प्रयास कर रहा था कि कोई जनहानि तो नहीं हुई है। खैर ये गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है, क्योंकि बच्चे उस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं थे, पर जो दृश्य देखा गया वो वाकई में रूह कपा देने वाला था, क्योंकि जो जब इमारत गिरी है तो उस मलबे में कुर्सियां और टेबल तक अंदर तक धस गई है। जरा सोचिए कि अगर उस वक्त बच्चे मौजूद होते तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। खैर इसके पीछे स्कूल प्रशासन की एक बड़ी गैर जिम्मेदाराना हरकत जो है वो सामने आई है, उनकी लापरवाही सामने आई है। स्कूल प्रशासन तो अपनी अपना पल्ला झाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो हादसा ये रात का है। खैर बच्चों ने पूरी पूल खोल दी है, पूरी खबर जो है आप एमपी न्यूज़ पर भी देख सकते हैं, पर इस तरीके की जो हरकतें हैं, इस तरीके के जब हादसे सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं अभिभावक जो हैं अपने बच्चों को लेकर थोड़े से असहज महसूस करते हैं, थोड़ा सा डर उनमें बैठ जाता है। तो ये थी प्रदेश और देश से जुड़ी वो अहम खबरें जो आपको जानने की बेहद ज़रूरी। आगे भी ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए एमपी न्यूज़। एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल इतना ही, अरुण यादव के साथ दिव्य विजयवर्गीय एमपी।